तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल की तरफ, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 19। ठीक है ना, एग्जाम्पल नंबर 19 आपको क्या दिया हुआ, क्या कह रहा है, कह रहा है कि व्हाट इज अ नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग अ फोर कार्ड्स फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स इन हाउ मेनी वेज ऑफ दिस। ठीक है, फोर कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट। ठीक है, फोर कार्ड्स बिलोंग्स टू द फोर डिफरेंट सूट्स। ठीक है, आर फेस कार्ड्स, टू रेड कार्ड्स एंड टू आर ब्लैक कार्ड्स। ठीक है, देन क्या कह रहा है, कार्ड्स आर ऑफ द सेम कलर। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं ना वो कॉम्बिनेशन का है। ठीक है, जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं वो क्या है, कॉम्बिनेशन का है, मतलब हमें सिलेक्शंस करनी है। ठीक है ना, क्या करनी है, हमें सिलेक्शन करनी है। अब एक बात आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्या कह रहा है कि व्हाट इज अ नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग फोर कार्ड्स फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि आप कितने प्रकार से, कितने रास्तों से फोर प्लेइंग कार्ड्स चूज कर सकते हो आउट ऑफ व्हाट, 52 प्लेइंग कार्ड्स। बात समझ में आ रही है, ये क्या कह रहा है कि कितने रास्तों से आप फोर कार्ड्स चूज कर सकते हो। ठीक है, अब फ्रॉम द 52 प्लेइंग कार्ड्स। ठीक है, तो यहां पे इतने रास्ते होंगे जितने कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो और 52 प्लेइंग कार्ड्स टेकन फोर एट अ टाइम, है ना, 52 प्लेइंग कार्ड्स टेकन फोर एट अ टाइम। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आपके पास कितने हैं, 52 है, एट अ टाइम आपको कितने लेने हैं, 4 लेने हैं। तो यहां पे इतने रास्ते होंगे जितने कॉम्बिनेशंस आप बना सकते हो 52 प्लेइंग कार्ड्स के, 52 डिफरेंट प्लेइंग कार्ड्स के, टेकिंग 4 एट अ टाइम। ठीक है ना, टेकिंग 4 एट अ टाइम। ठीक है, तो उसके बाद क्या कह रहा है कि इन कॉम्बिनेशंस में जो आप कॉम्बिनेशंस बनाओगे, है ना, किसके, 52 प्लेइंग कार्ड्स के, टेकिंग 4 एट अ टाइम, यहां पे आप जितने कॉम्बिनेशंस बनाओगे सो आपको नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस मिलेंगे। उन नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस में कितने ऐसे कॉम्बिनेशंस है जिसमें चारों कार्ड जो सेम सूट के होंगे, है ना, जिसमें चारों कार्ड्स जो है किसके होंगे, सेम सूट के होंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फोर कार्ड्स बिलोंग्स टू द फोर डिफरेंट सूट्स, कितने ऐसे सिलेक्शंस होंगी या फिर कितने ऐसी कॉम्बिनेशंस होंगी जिसमें चारों कार्ड जो है वो डिफरेंट डिफरेंट सूट्स के होंगे। मतलब एक कार्ड अगर डायमंड का है तो एक आपका स्पेड का होगा, एक आपका हार्ट का होगा। ठीक है ना, उसी तरीके से, ठीक है, ये क्या कह रहा है, आर फेस कार्ड्स, है ना, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, आर फेस कार्ड्स। ठीक है, मतलब कितने ऐसे होंगे जब आप सिलेक्शन करेंगे, जब आप कॉम्बिनेशन बनाओगे फोर कार्ड्स का टेकिंग 50, ठीक है ना, 52 प्ले कार्ड्स का टेकिंग 4 एट अ टाइम। ठीक है, तो कितने ऐसे आपको कॉम्बिनेशंस मिलेंगे या फिर सिलेक्शंस मिलेंगे जिसमें चारों कार्ड जो फेस कार्ड होंगे। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, टू रेड कार्ड्स एंड टू आर ब्लैक कार्ड्स। तो इसमें ऐसे भी तो कॉम्बिनेशंस होंगी ना जिसमें जो आपने फोर कार्ड चूज किए हुए तो दो रेड हो गए, दो ब्लैक हो गए, ये भी कॉम्बिनेशन आपको निकालना है, मतलब सिलेक्शन निकालना है। और बाद में क्या कह रहा है, कार्ड्स आर ऑफ द सेम कलर, है ना, कार्ड्स आर ऑफ द सेम कलर। और इसमें से ऐसे कितने कॉम्बिनेशंस होंगी या फिर कितने सिलेक्शंस होंगे जिसमें चारों कार्ड्स जो है वो आपके सेम कलर के आएंगे। ठीक है, वंस अगेन हियर ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, किस ऑर्डर में आप कार्ड सिलेक्ट करो, यहां पे ऑर्डर जो है इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें सिंपली क्या करना है, सिलेक्शन करना है। ठीक है, एक और बात, यहां पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, समझने के लिए आपकी हिंदी जो है ना बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, मतलब हिंदी की समझ आपको होनी चाहिए। मैंने जब इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 में कॉम्बिनेशन और परमुटेशन के बारे में जो लिमिटेड बात कही थी, उसमें मैंने आपसे ये भी कहा था कि जब हम फिर वर्ड यूज करेंगे, ये फिर ये, मतलब इस तरीके से जब हम वर्ड यूज करेंगे तो आपको वहां पे मल्टीप्लिकेशन लाना है, और इंग्लिश में जब हम एंड यूज करेंगे तब आपको क्या लगाना है, मल्टीप्लिकेशन लगाना है। और मल्टीप्लिकेशन हम तब भी लगाते हैं जब चीजें जो है वो कंटिन्यूअस होती है, प्रोसेस में होती है, मतलब कंप्लीट नहीं हुई होती है। देखो यहां पर ना, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जितना सिंपल आपको लग रहा होगा ये क्वेश्चन, उतना सिंपल है नहीं। ठीक है, सिंपल तो है, लेकिन तब जब आपको समझ में आ जाए, आपके ब्रेन के अंदर फिट हो जाए। और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, आप इसी में कंफ्यूज हो जाओगे कि कहां पे हमें प्लस लगाना है और कहां पे हमें मल्टीप्लिकेशन लगाना है। बात समझ में आ रही है, तो ये बीज जो था ना कि कहां मल्टीप्लिकेशन लगाना है और कहां प्लस लगाना है, ये हमने आपके दिमाग में इंट्रोडक्शन के पोर्शन में डाल दिया था जब हमने चैप्टर को स्टार्ट किया था। हमने इसीलिए डाला था क्योंकि जब इस प्रकार के क्वेश्चंस आए तो आपके मन में डाउट ना हो, क्वेश्चन ना हो कि प्लस कहां से आ गया और मल्टीप्लिकेशन कहां से आ गया। तो मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूं, वहां पे तो हमने बताया था, लेकिन मैं एक बार आपको फिर से बता रहा हूं, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये आपको इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है कि कहां पे हमें प्लस लगाना है और कहां पे हमें मल्टीप्लिकेशन लगाना है। ठीक है, तो प्लस हम कहां पे लगाएंगे, जहां पे चीजें जो है एंड हो गई,
एक एंड होने के बाद हमने कोई दूसरा सिलेक्शन किया, मतलब सिलेक्शन किया उसको एंड करने के बाद हमने कोई और सिलेक्शन किया तो वहां पे हम प्लस लगाएंगे। और जब चीजें कंटिन्यूएशन में होती है, प्रोसेस में होती है, मतलब कंप्लीट नहीं हुई होती है, कंप्लीट करने के लिए हम किसी और स्टेप में जाते हैं, वहां पे आपको मल्टीप्लीकेशन लगाना है, ठीक है ना। वहां पे आपको क्या लगाना है, मल्टीप्लीकेशन लगाना है। हमने ये भी कहा था कि जब वर्ड फिर यूज होगा हिंदी का, जब वर्ड फिर होगा या फिर इंग्लिश में एंड होगा तो आपको क्या लगाना है, मल्टीप्लीकेशन लगाना है। और जब वर्ड या यूज होगा, ये या ये है ना, ये या फिर ये है ना, जब ये वर्ड यूज होगा तो यहां पे आपको प्लस लगाना है। या फिर इंग्लिश में आप कह सकते हो कि अगर आप और यूज करो, ए और ये है ना, ए और बी, जब ये आप यूज करोगे तो आपको क्या लगाना है, प्लस लगाना है, ठीक है। ये चारी ये जो चीजें है ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में टोटल 4 5 6 क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, है ना, 6 क्वेश्चंस, ये 5 हो गए और यहाँ पे एक आपको दिया हुआ, मतलब टोटल 6 क्वेश्चंस आपके पास हो गए यहाँ पे, ठीक है। तो इन 6 क्वेश्चंस में से आपको स्पेसिफिकली आंसर निकालने के लिए इन चीजों का इंफॉर्मेशन होना चाहिए जो मैंने आपको बता दिया। जब क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे, उन क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करेंगे तब मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। अब सबसे पहले तो हमें यहाँ पे ये निकालना है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज, मतलब कितने प्रकार से हम 4 कार्ड्स को चूज कर सकते हैं फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स। सो देयर विल बी एज मेनी वेज एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स टेकन 4 एट अ टाइम। यहां पे इतने प्रकार के रास्ते होंगे जितने वेज, ठीक है ना, जितने आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो, किसका, 52 प्लेइंग कार्ड्स का एट अ टाइम टेकिंग 4, ठीक है। तो लिखिएगा सोल्यूशन फॉर द एग्जाम्पल नंबर 19, ठीक है ना, सोल्यूशन लिखिएगा, ठीक है, सोल्यूशन, ठीक है। सो there will be as many ways as 4 cards, ठीक है, 4 cards, ठीक है। So there will be as many as ways of, ठीक है ना, of choosing, ठीक है, of choosing, ठीक है ना, of choosing 4, ठीक है, 4 different cards, ठीक है ना, 4 cards, ठीक है, 4 cards from 52 cards, from 52 cards as combination of, as a combination of, ठीक है ना, as a combination of 52 different things, 52 different things, ठीक है ना, 52 different things taken, ठीक है, taken 4 at a time, ठीक है ना, taken 4 at a time, ठीक है। तो यहां पे इतने रास्ते होंगे जितने प्रकार से हम लोग क्या कर सके, ठीक है, 52 प्लेइंग कार्ड्स का कॉम्बिनेशन बना सके टेकिंग 4 एट अ टाइम, ठीक है। और इसको लिखने का तरीका क्या होगा, कितने वेज हो सकते हैं, ठीक है, सो देयरफॉर, ठीक है ना, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू यहां पे हो जाएगा 52C4, है ना। एट अ टाइम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमारे पास कितने हैं, 52 है, एट अ टाइम हमें कितने लेने हैं, 4 लेने हैं, तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 52C4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। और हमारे पास ये फॉर्मूला है, ठीक है ना, हमारे पास ये फॉर्मूला है कि NCR इज इक्वल टू क्या होता है, N फैक्टोरियल बाय R फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय N माइनस R फैक्टोरियल, जहां पे, ठीक है ना, जहां पे R जो है वो कैसा होता है, ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल्स टू N। R की जो वैल्यू होती है वो कैसी होती है, ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल्स टू N, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हो R की वैल्यू 4 है, मतलब कैसी है, लेस देन N है। सो अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला आप कैसे लिखेंगे, 52 फैक्टोरियल, n की जगह पे आपको 52 लिखना है, तो ये कितना हो जाएगा, 52 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r, r की देखो वैल्यू यहां पे कितनी है, 4, दैट इज 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n माइनस r, n की वैल्यू यहां पे कितनी है, 52, 52 माइनस r, r की वैल्यू यहां पे कितनी हो गई, 4 फैक्टोरियल, 52 माइनस 4 फैक्टोरियल, ठीक है। इसी को हम आगे इवैल्यूएट करेंगे, ठीक है ना, इसी को हम आगे इवैल्यूएट करेंगे, तो देखो क्या मिलेगा आपको,
इज इक्वल्स टू, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू 52 फैक्टोरियल। देखो हमारे पास एक फॉर्मूला ये भी है कि n फैक्टोरियल को ही हम लोग क्या लिख सकते हैं, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, है ना, और इसी को आप कैसे लिख सकते हो, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, है ना, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो हमारा 52 फैक्टोरियल है, इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, 52 मल्टीप्लाइड बाय 51 मल्टीप्लाइड बाय 50 मल्टीप्लाइड बाय 49 मल्टीप्लाइड बाय क्या होना चाहिए, 48 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये जो 4 फैक्टोरियल है, 4 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय ये 52 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 48 फैक्टोरियल, है ना, क्या होना चाहिए, 48 फैक्टोरियल। तो ये 48 फैक्टोरियल, 48 फैक्टोरियल को हम यहाँ से हटा देंगे, ठीक है ना, 48 फैक्टोरियल, 48 फैक्टोरियल को हम यहाँ से हटा देंगे, तो देखो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, ठीक है ना, 52 है ना मल्टीप्लाइड बाय 51, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 50, ठीक है, और यहाँ पे देखो क्या है, मल्टीप्लाइड बाय 49 डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे देखो क्या मिलेगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ डिवीजन होता है क्या, ये देखो 4 वन जा 4 एंड 13 फोर जा कितना होता है 52, ठीक है, यहाँ पे देखो 3 वन जा 3, ठीक है, और यहाँ पे देखो 17 3 जा कितना होता है 51, ठीक है, और ये तो 2 वन जा 2 और ये कितना हो जाएगा 25 2 जा 15, ठीक है ना। तो देखो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, ठीक है, ये 13 मल्टीप्लाइड बाय 17, है ना, मल्टीप्लाइड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 49 और यहाँ पे डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना होना चाहिए 1। हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है ना, कैलकुलेट करेंगे देखो क्या मिलेगा, मल्टीप्लीकेशन करेंगे इन चारों नंबर का, 49 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, 49 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 25, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 95 का कितना होता है, 95 का 45, 45 में से हम 5 यहाँ पे लिखेंगे, 4 हमारे पास रखेंगे, 45 का कितना होता है 20, 20 में अगर हमने 4 ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा 24, यहाँ पे देखो क्या मिलेगा, 2 इंटू 9 कितना होना चाहिए 18, ठीक है, रिमेनिंग वी इज 1, रिमाइंडर हमारे पास कितना रहेगा 1 रहेगा, 2 इंटू 4 कितना होना चाहिए 8, 8 में अगर हम ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 9, तो कितना मिलेगा 98, इसको ऐड कर देंगे कितना मिलेगा 5, 8 4 कितना होना चाहिए 12, रिमाइंडर इज 1, 1 प्लस 9 कितना हो जाएगा 10, 10 प्लस 2 कितना होना चाहिए 12, सो 1225, इसी को आप 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 17 से देखो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा, 75 से कितना होना चाहिए 35, रिमाइंडर इज 3, 72 से कितना हो जाएगा 14, 14 प्लस 3 कितना होना चाहिए 17, 17 में से हम यहाँ पे 7 रखेंगे, 1 हमारे पास रखेंगे, ठीक है, अगेन 7 इंटू 2 कितना होना चाहिए 14, 14 प्लस 1 कितना हो जाएगा 15, रिमाइंडर इज 1, एंड 7 इंटू 1 कितना होना चाहिए 7, 7 में हम 1 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई बाय क्या मिलेगा 1 प्लस, ठीक है ना, 1 इंटू 5 इज 5, 1 इंटू 2 इज 2, ठीक है ना, 2 इंटू 1 इज अगेन 2 एंड 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, देखो 5 यहाँ पे एज इट इज है, 7 और प्लस 5 कितना हो जाएगा 12, 12 में से 2 लिखेंगे 1 यहाँ पे ऐड कर देंगे, सो 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6, 5 प्लस 2 कितना होना चाहिए 7, 7 प्लस 1 कितना हो जाएगा, सॉरी 5 प्लस 2 इज 7 एंड 7 प्लस 1 कितना होना चाहिए 8, ठीक है, यहाँ पे देखो 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा 10, 10 में से 0 लिखेंगे 1 यहाँ पे ऐड कर देंगे ना, ठीक है ना, कितना हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, कितना हो जाएगा 2, ठीक है, सो 20825, इसी को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 से देखो मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ठीक है, 35 जा 15, ठीक है ना, 35 जा 15, रिमाइंडर इज 1, 32 जा कितना होना चाहिए 6, 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा 7, ठीक है, देन 38 जा कितना होना चाहिए 24, 24 में से आप 4 लिखेंगे, रिमाइंडर इज 2, 3 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0, 0 में 2 ऐड कर देंगे 2 हो जाएगा, एंड 32 जा कितना होना चाहिए 6 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, 1 इंटू 5 इज 5, ठीक है, 1 इंटू 2 इज 2, ठीक है, देन 1 इंटू 8 कितना हो जाएगा 8, ठीक है, 1 इंटू 0 इज 0 एंड 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, इसको ऐड कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 5, ठीक है, 7 प्लस 5 अगेन कितना होता है 12, 12 में से आप 2 लिखेंगे, रिमाइंडर इज 1, 4 प्लस 2 इज 6, 6 में 1 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 7, ठीक है, 8 प्लस 2 कितना होना चाहिए 10, तो 10 में से 0 लिख दिया 1 हमारे पास रहेगा, 6 प्लस 0 इज 6, 6 में हम लोग 1 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 7, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 27, तो 270725 इज अ रिक्वायर्ड आंसर, है ना, इज अ रिक्वायर्ड आंसर, तो कितने नंबर ऑफ वेज आपको यहाँ पे मिलेंगे 2707, ठीक है, 7 सॉरी 2707 और यहाँ पे कितना है 25, है ना, कितना है यहाँ पे 25, सो कितने मिलेंगे हमें 270725
कॉम्बिनेशंस, है ना। कितने कॉम्बिनेशंस हमें यहाँ पे मिलेंगे, 2,70,000, ठीक है ना, 725, ठीक है। अब इन कॉम्बिनेशंस में से इन ये टोटल कॉम्बिनेशंस आपको मिल गई, टोटल सिलेक्शंस आपको मिल गई। अब इन सिलेक्शन में से आपको ऐसी सिलेक्शंस निकालनी है, यहाँ पे ऐसी सिलेक्शंस भी होंगी जिसमें सारे कार्ड जो सेम सूट के हो, ऐसे सिलेक्शंस भी होंगे जिसमें सारे कार्ड जो अलग अलग डिफरेंट सूट्स के हो, ऐसे भी कॉम्बिनेशंस होंगे जिसमें चारों कार्ड जो है वो आपके फेस कार्ड्स हो, और ऐसे भी कॉम्बिनेशंस होंगी जिसमें दो जो है वो रेड कार्ड होंगे, दो जो है वो ब्लैक कार्ड होंगे, एंड ऐसे भी कॉम्बिनेशंस होंगी जिसमें कार्ड्स आर ऑफ द सेम कलर, मतलब चारों कार्ड जो है वो आपके सेम कलर के होंगे। अब ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को हम निकालेंगे, चलो ठीक है। तो बढ़ते क्वेश्चन नंबर वन की तरफ। क्वेश्चन नंबर वन क्या कह रहा है, फोर कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट, है ना। देखो आपने यहाँ पे बेसिकली क्या किया हुआ है, आपने यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है कितना, 52 प्लेइंग कार्ड्स का, टेकिंग फोर एट अ टाइम। एट अ टाइम आपको कितने कार्ड सिलेक्ट करने हैं, फोर कार्ड सिलेक्ट करने हैं। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमारे पास कितने हैं यहाँ पे, 52, है ना। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमारे पास कितने यहाँ पे, 52 ऑब्जेक्ट्स है, और एट अ टाइम हमें कितने सिलेक्ट करने हैं, फोर सिलेक्ट करने। तो जब आप ये कॉम्बिनेशंस बनाओगे तो कुछ कॉम्बिनेशंस उसमें ऐसे भी होंगे जिसमें सारे कार्ड्स जो है वो सेम सीट के हो। अब यहाँ पे देखो कि एक प्लेइंग कार्ड्स में ना, 52 प्लेइंग कार्ड्स में कितने, ठीक है ना, कितने सूट्स होते हैं, देयर आर टोटल नंबर ऑफ फोर सूट्स, है ना। कितने सूट्स होते हैं, फोर सूट्स होते हैं। एक तो डायमंड होता है, दूसरा हार्ट होता है, तीसरा क्या होता है, क्लब होता है, और चौथा क्या होता है, स्पेड होता है। देयर आर टोटल फोर नंबर ऑफ सूट्स, ठीक है। और ईच सूट में कितने कार्ड्स होते हैं, 13 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। इस बात को आप समझिएगा कि 52 प्लेइंग कार्ड्स में, है ना, प्लेइंग कार्ड्स में देयर आर फोर सूट्स। कितने सूट्स होते हैं, फोर सूट्स होते हैं। उसमें से फोर सूट्स में क्या होता है, एक डायमंड होता है, एक हार्ट होता है, एक क्लब होता है, और एक क्या होता है, स्पेड होता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ऐसी कॉम्बिनेशंस निकालनी है जिसमें, ठीक है, जिसमें चारों कार्ड जो है सेम सूट के हो, है ना। चारों कार्ड जो क्या हो, सेम सूट के हो। तो हमें पता है कि देयर आर फोर सूट्स, और हर सूट में कितने कार्ड होंगे, 13 कार्ड्स होंगे, है ना। हर सूट में कितने कार्ड्स होंगे, 13 कार्ड्स होंगे। और ये क्या कह रहा है कि आपको ऐसी कॉम्बिनेशन ढूंढ के निकालनी है, ऐसी कॉम्बिनेशन ढूंढ के निकालनी है जिसमें चार कार्ड जो सेम सूट के हो, है ना। सेम सूट के मतलब एक तो डायमंड भी हो सकते हैं, दूसरा हो क्लब भी हो सकते हैं, तीसरा हो स्पेड भी हो सकते हो, चौथा हो, ठीक है ना, क्या हो सकते हैं, हार्ड भी हो सकते हैं, ठीक है। अब मेरी बात सुन, ठीक है, अब मेरी बात को समझिएगा आप, ठीक है, कि यहां पे ना, यहां पे एक कार्ड सिलेक्ट करने के बाद, मतलब चार कार्ड सिलेक्ट करने के बाद किसके, किसी एक, ठीक है ना, चार कार्ड सिलेक्ट करने के बाद किसी एक सूट के चार कार्ड सिलेक्ट करने के बाद प्रोसेस जो है वो यहां पे एंड हो रही है, है ना। प्रोसेस जो है वो यहाँ पे एंड हो रही है, एक बात को आप समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूएशन में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमें चार ही कार्ड सिलेक्ट करने हैं, और ऐसे चार कार्ड सिलेक्ट करने हैं जो एक ही सूट को बिलोंग करते हो, और वहां पे चार सूट है, चार सूट में, ईच सूट में 13 कार्ड है। तो अगर मैं एक सूट में के चार कार्ड सिलेक्ट कर लूं तो प्रोसेस तो एंड हो गई ना, प्रोसेस जो है क्या हो गई, वहां पे एंड हो गई। तो एक तो मैं क्या कर सकता हूं, डायमंड में से चार कार्ड सिलेक्ट कर सकता हूं, या तो फिर मैं किसे, ठीक है ना, या तो फिर मैं किसे कह सकता हूं, क्लब में से चार कार्ड सिलेक्ट कर सकता हूं, या हार्ट में से चार कार्ड सिलेक्ट कर सकता हूं, या फिर स्पेड में से चार कार्ड सिलेक्ट कर सकता हूं। अब देखो मैंने जो वर्ड यूज किए ना, इसको आपको यहां पे थोड़ा ध्यान देना है। एक तो डायमंड और स्पेड और क्लब और हार्ट, तो इन चारों में से मैं किसी भी एक सूट में से चार कार्ड सिलेक्ट कर सकता हूं। तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस साइन देना पड़ेगा। देखो मैंने आपको क्या कहा था, प्लस कहां पे देना है, मल्टीप्लिकेशन कहां पे देना है, ये अगर आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल हो जाएगा, अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कह रहा है कि फोर कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट, सो देयर आर 52 कार्ड्स, 52 कार्ड्स में चार सूट्स होते हैं, हर सूट में 13 कार्ड होते हैं, और यहां पे हमें एट अ टाइम चार ही कार्ड लेने हैं, और ऐसे कार्ड लेने हैं जो सेम सूट से है। तो एक बार में मैं क्या कर सकता हूं, एक ही सूट से चार कार्ड ले सकता हूं ना, तभी वो सेम होंगे। या तो फिर मैं डायमंड से लूंगा, या फिर मैं किससे लूंगा, क्लब से लूंगा, या फिर मैं स्पेड से लूंगा, या फिर मैं हार्ट से लूंगा, है ना। तो यहां पे वर्ड क्या लग रहा है, या, मतलब हमें क्या देना पड़ेगा, प्लस देना पड़ेगा। और हर सूट में से कार्ड चूज करने के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, है ना, हर सूट में कितने कार्ड से, 13। एट अ टाइम हमें कितने लेने हैं, फोर लेने हैं, तो कितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बनेंगे, 3, ठीक है ना। कितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बनेंगे, 13C4, कितने बनेंगे, 13C4। तो लिखिएगा कैसे, ठीक है, लिखिएगा क्वेश्चन नंबर वन, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर वन का सॉल्यूशन, देयर आर फोर सूट्स,
देर आर फोर सूट्स, ठीक है, डायमंड, ठीक है, डायमंड, डायमंड स्पेड, ठीक है, डायमंड स्पेड, देन क्या है क्लब, ठीक है, क्लब, एंड देन क्या है हार्ट, क्लब एंड हार्ट, ठीक है। और हर हर इसमें हर सूट में कितने कार्ड्स है, 13 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। नाउ, ठीक है, नाउ ईच सूट, ठीक है, ईच सूट हैज 13 कार्ड्स, ईच सूट हैज 13 कार्ड्स, सो देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर देयर आर अब देखो कि डायमंड चूज करने के, चार डायमंड कार्ड चूज करने के कितने वेज हो सकते हैं, हर कार्ड में कितने, हर सूट में कितने कार्ड्स है, टोटल 13 कार्ड्स है, सो देयर आर 13 C4 वेज, ठीक है, देयर आर 13 C4 वेज ऑफ चूजिंग, देयर आर 13 C4 वेज ऑफ चूजिंग, ठीक है, ऑफ चूजिंग डायमंड, ठीक है ना, देयर आर 13 C4 वेज ऑफ चूजिंग डायमंड्स, ठीक है। तो डायमंड्स को हम कितने वे, ठीक है ना, कितने प्रकार से सिलेक्ट कर सकते हैं, 13 C4 वेज में चूज कर सकते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे देखो स्पेड को कितने रास्तों से हम चूज कर सकते हैं, स्पेड में भी कितने कार्ड्स है, 13 एट अ टाइम हमें कितने लेने हैं, 4 लेने हैं, ठीक है ना, एट अ टाइम हमें कितने लेने हैं, 4। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, 13 C4 वेज, है ना, इसको भी हम लोग 13 C4 वेज में ही सिलेक्ट कर सकते हैं, और इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, 13 C4 वेज में। लेकिन इन चारों को हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, इन चारों रास्तों को हमें ऐड करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ऐसी हमें कॉम्बिनेशन निकालनी है जिसमें 4 कार्ड जो सेम सूट के हो, एक तो वो डायमंड के हो गए, या तो फिर वो किसके होंगे, क्लब के हो गए, और किसके हो गए, हार्ट के, और किसके होने चाहिए, स्पेड के होने चाहिए, मतलब और लगेगा, तो हमें क्या लगाना है, हर प्रोसेस एंड होने के बाद प्लस लगाना है, मतलब यहां पे ये प्रोसेस एंड हो गई, ठीक है, देन हम क्या करेंगे, 13 C4, ठीक है, 13 C4 वेज ऑफ चूजिंग, ठीक है, 13 C4 वेज ऑफ चूजिंग स्पेड, ठीक है, ऑफ चूजिंग स्पेड, 13 C4 ways of choosing spade, ठीक है, then 13 C4 ways, ठीक है, then 13 C4 ways of choosing, ठीक है ना, of choosing, 13 C4 ways of choosing, ठीक है, clubs, ठीक है, clubs, 13 C4 ways of choosing clubs, and, ठीक है, and 13 C4 ways, ठीक है ना, 13 C4 ways of choosing, ठीक है, 13 C4 ways of choosing, ठीक है, heart, ठीक है, मतलब each suit select करने के यहां पे कितने ways है, diamond select करने के ways कितने, 13 C4, है ना, और club choose करने के कितने ways है, 13 C4, ठीक है, then spade choose करने के कितने ways है, again 13 C4, और यहां पे हार्ड चूज करने के कितने वेज है, 13 C4 है। और एक बात आपको यहां पे फिर से ये नोट करनी है कि हर सिलेक्शन होने के बाद प्रोसेस जो है वो यहां पे एंड हो गई, मतलब मैंने डायमंड के चार कार्ड सिलेक्ट कर लिए, उसके बाद में क्या करूंगा, हार्ड के कार्ड चार कार्ड सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद में क्या करूंगा यहां पे, ठीक है ना, क्लब के चार कार्ड सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद में क्या करूंगा, हार्ट के चार कार्ड सिलेक्ट करूंगा। या तो इसी का मतलब क्या है, एक तो मैं डायमंड के 4 कार्ड्स ले सकता हूं, या तो फिर मैं, ठीक है ना, या तो फिर मैं क्या कर सकता हूं, स्पेड के 4 कार्ड्स ले सकता हूं, या तो फिर मैं क्लब्स के 4 कार्ड ले सकता हूं, या तो फिर मैं हार्ट के 4 कार्ड ले सकता हूं, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, सेम कार्ड चाहिए, है ना, जो 4 कार्ड मैं सिलेक्ट करूंगा वो किसके होने चाहिए, सेम सूट के होने चाहिए, ठीक है। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इज इक्वल्स टू इन चारों कलेक्शन को हमें ऐड करना पड़ेगा। डायमंड के लिए भी कितना है, 13 C4, ठीक है, ये भी कितना हो जाएगा, प्लस 13 C4, प्लस कितना होना चाहिए, 13 C4, प्लस यहां पे भी कितना आएगा, 13 C4, ठीक है। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो देखो आपको यहां पे क्या मिलेगा, 13 C4 प्लस 13 C4 प्लस 13 C4 प्लस 13 C4 क्या होना चाहिए, 4 मल्टीप्लाइड बाय 13 C4,
ठीक है, 4 मल्टीप्लाइड बाय 13C4। नाउ व्हाट इज 13C4, हमारे पास वो फॉर्मूला है, दैट इज NCR इज इक्वल्स टू क्या होता है, n फैक्टोरियल, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। तो आपको यहां पे क्या मिलेगा, 4 इनटू 13C4, तो क्या मिलेगा, 13 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितना होना चाहिए, r फैक्टोरियल, r कितना है हमारे पास, 4 फैक्टोरियल, ठीक है, और n माइनस r मतलब कितना होना चाहिए, 13 माइनस 4 फैक्टोरियल। इसको आप लोग कैलकुलेट करेंगे, 4 मल्टीप्लाइड बाय 13 फैक्टोरियल, ठीक है ना, इसी को आप ऐसे लिख सकते हो, 13 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, 13 माइनस 4 कितना होना चाहिए, 11, ठीक है ना, 13 माइनस 4 कितना होगा, 9 फैक्टोरियल, कितना होना चाहिए, 9 फैक्टोरियल, ठीक है। देन यहां पे देखो, ठीक है, ठीक है ना, देन यहां पे देखो, ये 4 है आपका एज इट इज है, 13 फैक्टोरियल को हम रिड्यूस करेंगे, 13 इंटू 12 इंटू 11, ठीक है ना, इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, और यहां पे देखो मल्टीप्लाइड बाय यहां पे कितना है, 9 फैक्टोरियल, तो ये 9 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल यहां से निकल जाएगा, ठीक है, ये 4 4 यहां से आपका निकल जाएगा, ठीक है, यहां पे देखो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6, और यहां पे 6 2 जा कितना होता है, 12, तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, ठीक है ना, यहां पे 6 1 जा 6 और 6 2 जा कितना हो जाएगा, 12, तो आपको क्या मिलना चाहिए, 2 इंटू 13 कितना हो जाएगा, 26 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 11 मल्टीप्लाइड बाय कितना होना चाहिए, 210, है ना, देन 26 इंटू 11 करेंगे हम लोग, 26 इंटू 11 करते हो, देखो क्या मिलेगा, 6 इंटू 1 इज 6, 2 इंटू 1 इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इंटू 6 इज 6, 1 इंटू 2 इज 2, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6, ठीक है, और यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 प्लस 6 इज 8, और यहाँ पे कितना होना चाहिए, 2, है ना, 6 इज 0, ठीक है, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 प्लस 6 इज 8 एंड क्या कितना होना चाहिए, 2, दैट इज 286, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 286 मल्टीप्लाइड बाय 10 कितना मिलेगा, 2860, कितना आना चाहिए, 2860। तो ऐसे कितने नंबर ऑफ वेज है जिसमें चारों कार्ड जो, ऐसे कितने नंबर ऑफ सिलेक्शंस होंगी या फिर कॉम्बिनेशंस होंगी जिसमें चारों कार्ड जो है वो क्या होंगे, सेम सूट के होंगे, कितने नंबर ऑफ सिलेक्शंस होगी, 2860, 2860, ठीक है, लिखिएगा।